बोल बम हर हर महादेव। दोस्तों आज मैं अपने पीछे में एक ऐसा कांवड़ को दिखाने के लिए जा रहा हूँ जो अभी तक का सबसे ऐतिहासिक कांवड़ है और कहा जाए तो श्रावणी मेला का ये सबसे बड़ा कांवड़ है। इस कांवड़ में बाबा बैद्यनाथ मंदिर से लेके भोलेनाथ भगवान तक को दर्शाया गया, आप देख सकते हैं। और इस कांवड़ की खूबसूरती देखिए, लगभग सैकड़ों लोगों की टीम, सैकड़ों कांवड़ियों की टीम ने इस कांवड़ को लाए हैं और मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ बाबा मंदिर से। और बाबा मंदिर के प्रांगण में ये कांवड़ को भी रखा गया है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और हमारे जो श्रद्धालु हैं वो आगे में झूम रहे हैं जिस कदर से आप देख पाइए देख रहे होंगे। और काफ़ी भक्तिमय नज़ारा आज का हो चुका है देवघर मंदिर से। मैं आप लोगों को सीधा दिखा रहा हूँ और मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि किस तरह से जो इस कांवड़ को लेकर के आए हैं, काफ़ी भव्य कांवड़ है यहाँ पे आप देख रहे होंगे। और इसकी जो बनावटी है काफ़ी आकर्षण करने वाली है, आप देख सकते हैं। सामने में गणेश जी की आकृति को लगाया गया, उसके बाद मोर पंख से इस कांवड़ को पूरा सजाया गया और पीछे में काली माँ को भी दर्शाया गया, आप देख सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत कांवड़ है आप देखिए यहाँ पे। और ऐसा कांवड़ पहली बार आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और भी भक्तों तक शेयर करें और हर हर महादेव बोल बम कमेंट में लिखना ना भूले। बोलो हर हर महादेव, जय बाबा बैद्यनाथ, बोल बम, 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 हर हर महादेव। दोस्तों बोल बम आपको मैं इस श्रावणी मेला का सबसे बड़ा कांवड़ को मैं दिखा रहा हूँ अभी आप लोगों के सामने। मेरे सामने में देख सकते हैं कि कितना बड़ा कांवड़ है। तो ये लगभग कितना फीट का कांवड़ है? मुझे 54 फीट का कांवड़ है। 54 फीट का है। और कहाँ से लेकर के आप आए? पटना सिटी से आते हैं, मारुगंज। कितना दिन लगा आपको यहाँ तक आने? 54 घंटा, 54 घंटा, मोटा मोटा 54 घंटा का समय लगा। बुधवार को 6-7 बजे के लमसम उठाया जाता हूँ। तो इस कांवड़ को जो आपने बनाया, इस कांवड़ को जो तैयार किया, इसको तैयार करने में लगभग कितना समय लगा? एक सप्ताह समय लगा। एक सप्ताह? और कितने रात मिला कर? दिन रात आप लोग सुन सकते हैं कि दिन रात मिला करके इस कांवड़ को तैयार किया गया है। और आप लोग कितने लोगों की टीम अभी बाबा मंदिर में? 700-800 के करीब में। 700-800 बम, समझ सकते हैं कि 700-800 के बम की टीम ने आज देवघर मंदिर के प्रांगण में इतने बड़े कांवर को लेकर आए हैं। और ये कांवर की खूबसूरती देखने लायक है। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी भक्तों तक ये वीडियो पहुंच पाए। हर हर महादेव, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, हर महादेव, बोल बम, जय बाबा बैद्यनाथ। और देखिए ये मेरे पीछे में वही टीम है जो इस कांवड़ को लेकर के आए हैं और काफ़ी हर्षोल्लास का समय यहाँ पे बन पड़ा। आप देख सकते हैं मैं बाबा बैद्यनाथ धाम से आप लोगों को सीधा दिखा रहा हूँ, इस कांवड़ का दर्शन करवा रहा हूँ। आप देख रहे हैं मेरे पीछे में काफ़ी भव्य कांवड़ इस बार आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा सावन के महीने में बाबा बैद्यनाथ धाम में। और इस वीडियो को आप अपने दोस्त जो रिलेटिव तक जरूर भेजें। आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत तरीके से कांवड़ को सजाया गया, दर्शाया गया है। और इस कांवड़ को देखने के लिए लगभग हजारों की संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। मेरे पीछे में देख रहे होंगे तमाम भक्त श्रद्धालु यहाँ पे पहुँचे हुए इस कांवड़ को देखने के लिए। और मैं पीछे आप लोगों को दिखा ही रहा हूँ, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो भी सुरक्षाकर्मी तैनात है इस सेल्फी लेने के लिए बेताब है, आप देख सकते हैं इस कांवड़ को। और आखिर क्यों ना ले ऐसा कांवड़ जो पहली बार यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, देख सकते हैं बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में। चलिए इस वीडियो को शेयर करिएगा। हर हर महादेव, जय श्री शंकर, बोल बम। बोलो हर हर महादेव, बोल बम।